स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग यानी कि EDM के बारे में। तो एक ओवरव्यू लेते हैं कि हम लोग किसके बारे में डिस्कशन लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे सिंपल इसका पहले साइंस समझते हैं कि तो साइंस समझ में आ जाएगा तो बाकी चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप ये समझिए, जब भी इलेक्ट्रिकल शॉट होता है वो बहुत गर्म होता है। आपको पता है कि वो मतलब जैसे प्लास्टिक व्लास्टिक तो सीधा पिघलाता है, घर में आग भी लगा सकता है, वो सिरामिक तक को भी पिघला सकता है। समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो सकता है बहुत छोटे टाइम में। और ये जहाँ पर भी होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका गीजर चल रहा है, ठीक है, गीजर में आप देखते होंगे स्विच है, गीजर जिस टाइम हीटिंग कर रहा है मतलब कट ऑफ में नहीं है, हीट कर रहा है, अगर उस टाइम आप स्विच बंद करेंगे आपको एक स्पार्क दिखेगा। रात में अगर कीजिएगा लाइट आउट बंद करके आपको पूरा दिख जाएगा, मतलब एक एक्सरे जैसा दिखने लगेगा, क्योंकि बहुत प्लाज्मा बन जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह का आर्क बनता है, वो बहुत हॉट होता है। और ये समझिए कि पिघलाता नहीं है मटीरियल को, ये सीधे उसे भाप में बदल देता है, मतलब सॉलिड लिक्विड नहीं जाता, वो सीधे गैस में बदल देता है। तो ये है इसका कोर। EDM जो बोल रहे हैं, EDM कहाँ मतलब उसका क्या फिजिक्स है, क्या लॉजिक है, वो यही है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट होने पे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है और वो एनर्जी इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो सीधे मटेरियल को स्वाहा कर दे, मतलब वो पिघलाएगा नहीं कि आपका मेटल था पिघल गया, नहीं नहीं वो सीधे स्वाहा कर देगा। तो इसी को लेके कंट्रोल हम लोग करते हैं, ठीक है, वैसे हो रहा है इसीलिए आपके स्विच में कहा जाता है कि कभी भी प्लग जो है चलते हुए मत निकालिए क्योंकि वो वहाँ आर्किंग होगा। स्विच को बनाया जाता है, उसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो ऐसा बनाया रहता है कि अगर आपका मतलब आर्किंग हो रहा है जिस टाइम आप लोड में बंद कर रहे हो, वो आर्किंग से डैमेज होगा लेकिन वो संभाल लेगा कि हाँ, उसको इतना मोटा बनाया जाता है कि घिसते घिसते भी कई साल लग जाए। तो यहीं पे वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा कब हो रहा है क्या हो रहा है। तो आप ये समझिए, जब भी आर्क बनता है ना स्टार्टिंग में डैमेज होता है, जैसे ही आर्क बन गया, जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड है दोनों के बीच में जो आर्किंग हुआ स्टार्टिंग में जो जैसे भिड़ा वो बहुत डैमेज किया, उसके बाद कुछ नहीं होता क्योंकि उसके बाद वो कंडक्टिव चैनल बन जाता है। तो आपको यही समझिए कि हर बार आपको स्टार्ट करने पे आपको डैमेज होगा, लेकिन अगर आप सोचिए कि अच्छा चालू करके छोड़ दें उसका कोई मतलब नहीं है, वो कुछ नहीं करने वाला। तो इसीलिए मैक्सिमम डैमेज जो होता है कि मतलब जो मटेरियल में स्वाहा किया वो स्टार्टिंग में होगा। तब हम लोग को समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस करंट इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब आप इलेक्ट्रोड लगा कैसे रख देंगे कुछ नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या करते हैं कि मतलब ठीक है, हम लोग कटाई करना है तो कटाई करने के लिए क्या करते हैं, आपको इस तरह का विकिपीडिया में डायग्राम दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले DC करंट लेते हैं क्योंकि AC में साइन वेव है और साइन वेव का सीधा सीधा मतलब होता है कि उसकी पावर ज़्यादा होता ही नहीं है। तो पावर ज़्यादा नहीं होता एज इन लाइक आप अगर पूरा उसको टाइम में ग्राफ करेंगे तो 90% टाइम तो वो बंद ही रहता है, पीक सिर्फ कभी कभी हीट करता है। तो इसीलिए हम लोग DC इस्तेमाल करते हैं। DC के बाद हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग करते हैं, यही पूरा लोचा है। ये हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग नहीं होगा तो आप समझिए सिर्फ शॉर्ट एक बार जो किए, एक बार जो डैमेज हुआ वो हुआ, थोड़ा सा गड्ढा हुआ हुआ, उससे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग कर रहे हैं यानी कि किलो हर्ट्स में, यानी कि 3000 से 30000 बार एक सेकंड के अंदर ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो वो किसी भी चीज़ के आर पार चला जाएगा। वो इतना मतलब एक इंच का स्टील का उसका कोई मतलब नहीं है, वो 5 इंच का स्टील का कोई मतलब नहीं है, 100 इंच का कार्बाइड भी हो तो भी उसको आर पार चला जाएगा। तो ये है उसका मेन रीज़न कि हम लोग पहले DC लेते हैं ताकि ज़्यादा पावर रहे, साइन वेव के चलते वो पावर घट ना जाए, DC प्लस उसको हाई फ्रीक्वेंसी ऑन ऑफ करते हैं। मैंने बताया जैसे कनेक्शन एक बार होता है तो वो डैमेज करता है, लेकिन अगर आप छोड़ दिए, चालू करके छोड़ दिए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहने लगेगा, कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग DC हाई फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप हवा में ऐसा किए कि मान लीजिए आपने मटेरियल लिया, आप एक इलेक्ट्रोड लाए, हम यहाँ पे ड्रिल करना चाहते हैं, हम यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई वोल्टेज लाएंगे, प्रॉब्लम है कि हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी हवा कितना बिजली रोक सकता है वो बहुत कम है, वो मतलब 5-6000 वोल्ट जाते जाते ही वो मतलब सीधे बिजली शॉर्ट कर जाएगा। तो जनरली हम लोग इसको डुबा के रखते हैं, पानी में डुबाया जा सकता है, ऑयल में डुबाया जा सकता है, कोई स्पेशल कंपाउंड में डुबाया जा सकता है, डिपेंड करता है क्या कर रहे हैं। पानी तो मतलब एकदम डिस्टिल वाटर से थोड़ा सा पीछे, मतलब एकदम आप परफेक्ट नहीं चाहते हो, थोड़ा सा पीछे जाते हो, तो जनरली डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसको फिल्टर करते रहते हैं। तो आपको ये दिखेगा ना कि पानी में डुबाया हुआ तो फिल्टर किया जा रहा है ताकि वो उसमें कंटामिनेशन कम हो, अगर कंटामिनेशन बढ़ जाएगा तो वो फिर शॉर्ट करने लग जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक में डुबाते हैं ताकि वोल्टेज एकदम भावनाओं में बह के बढ़ाया जा सके, एकदम हाई वोल्टेज दे सके। तो अब हो क्या रहा है, जो भी आप इस तरह डिज़ाइन देख रहे हैं, पहला एक पानी का सर्किट लूप दिया है, ऑयल का भी हो सकता है, जनरली पानी इस्तेमाल करता है। पानी में दो मेन काम हो रहा है, पानी आपको रोक रहा है कि वोल्टेज को कूदने नहीं दे रहा जब तक वो बहुत हाई वोल्ट नहीं हो जाता। तो पहला तो आपको वो स्ट्रेंथ मिल रहा है, बस समझ रहा है
झटका मिल रहा है तो उससे आपका सामान को काफ़ी अच्छा से डैमेज करवाया, मतलब जहाँ कटाई कर रहे हैं उस जगह को उड़ा देगा। लेकिन पानी दूसरा काम भी कर रहा है, इसीलिए हमेशा ये सबको डुबाया जाता है कि जैसे ही आप डैमेज किए, जैसे ही बिजली का गिरा वहाँ पे डैमेज हो गया, वहाँ पे कचरा जमा हो गया ना, मतलब जो जो मटेरियल आपका भाप में बदला वो गायब थोड़े हो गया यूनिवर्स से, वो वहीं है। तो ये पानी जो है उस जगह को हटा देता है, मतलब उसको डाइल्यूट कर देता है कि हटो हटो, वो हटा दिया। तो पानी जब सर्कुलेट कर रहे हैं तो वो जगह क्लीन हो गया, तब वो मतलब सोचो कंटेमिनेशन भी खत्म हो गया और वो गड्ढा नया फ्रेश सरफेस आ गया, फ्रेश सरफेस दोबारा झट बिजली गिरेगा, फिर वहाँ गड्ढा होगा, फिर पानी उसका कचरा हटा देगा। सर टिक कचरा हटाया, टिक कचरा हटाया, टिक कचरा हटाया, ऐसे ऐसे इसीलिए पानी का डबल ड्यूटी कर रहा है कि वो साफ सफाई भी करता रहता है। जैसे आप देखते होंगे जो लोग ड्रिलिंग व्रिलिंग खूब करते हैं उनको पता है, जैसे मतलब अगर आप ड्रिल देखिएगा तो ड्रिल का मतलब जो शाफ्ट होता है उसमें फ्लूट दिए रहते हैं कि वो उससे मतलब जो जो भी कचरा निकाल रहे हो वो बाहर जा तो सके, नहीं तो फंस जाएगा वहाँ पे। इसलिए लिक्विड का इस्तेमाल होता है और वही आर्किंग जो हो रही है वही आपका कर रहा है, और इसी मतलब एक सेकंड के अंदर 30,000 बार हो रहा है, तो मतलब कटिंग स्पीड अच्छा आ जाता है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन करना रहता है, मतलब इस पे काफ़ी सारा मतलब मेजरमेंट रहेगा, फिल्टरिंग रहेगा, डाइल्यूट करने का व्यवस्था रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए जो कचरा निकल रहा है आपने आप फिल्टर जाम हो गया वो नहीं ठीक से कर पाए तो इलेक्ट्रिसिटी सीधे कंडक्ट करने लग जाएगा, एक बार तो कुछ होगा, एक बड़ा सा स्पार्क आएगा, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये कंट्रोल्ड है, ये समझिए बिजली का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली से झट कर रहे हैं वही कर रहे हैं, बस उसको डीसी में कर रहे हैं और बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में कर रहे हैं और वोल्टेज को जितना बढ़ा सके उतना कर रहे हैं ताकि मतलब ये हो सके ज़्यादा बड़ा थिक मटेरियल को काट सके और उसे डाइलेक्ट्रिक में डुबाया जाता है ताकि मतलब हवा क्योंकि हैंडल नहीं कर पाएगा उतना हाई वोल्टेज। तो इसी को समझिए, बिजली वाले को लिए कंट्रोल किए और हम लोग को उससे काम होने लगा। तो अब बात बनता है इतना भजियत वाला चीज़ क्यों करें, जब हमारे पास नॉर्मल सीएनसी मिल होता है, मिल भी बड़ा चीज़ को काम कर लेता है, तो इसका इस्तेमाल क्यों करें। पहला ये समझिए ये मटेरियल जो है, जो भी मटेरियल की आप कटाई कर रहे हैं चाहे वो टाइटेनियम हो, एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, जो भी हो, उसको कोई डैमेज नहीं करता है, मतलब इसका डैमेज एकदम लोकलाइज रहता है। जैसे लेज़र आप किसी चीज़ को मारते हैं वो सिर्फ वहीं पर पिघलाता है, दाएँ बाएँ नहीं करता। प्लाज्मा के साथ थोड़ा सा ये दिक्कत होती है, जैसे वो मतलब प्लाज्मा से कोई भी कट, जो लोग प्लाज्मा काटते हैं उसको बोलिए भैया थिन प्लाज्मा थिन शीट को काटिए, वो बोलेगा नहीं होगा सर, क्योंकि जैसे आप काटना शुरू करेंगे वो गर्मी से मुड़ जाएगा। लेज़र में ये नहीं होता, इसमें भी वही है कि आपका मटेरियल जो है, जो भी चीज़ आप काट रहे हैं वो डैमेज नहीं होगा सिवाय वहाँ के जहाँ की कटिंग हो रही है। तो ये मतलब बहुत ज़रूरी है कि पतले मटेरियल में काम करना है या बहुत बड़ा मटेरियल जिसमें आप पता है ड्रिल करना स्टार्ट किए, मतलब ड्रिल हेड से गर्मी के चलते वो धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगे। जो लोग सीएनसी मशीन करते हैं आप देखते हो ना, उसमें लिक्विड से कूलिंग किया जाता है वो इसीलिए गर्मी होती है, इसमें वैसा कोई टेंशन ही नहीं, जहाँ पे कटिंग हो रहा है सिर्फ वहीं काम होगा, दाएं बाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है। दूसरा, इसकी ताकत कितना ये बड़ा चीज़ कर सकता है ये अलग लेवल पर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेज़र और प्लाज्मा में सिंपल ऑप्शन यही आता है कि अभी सस्ता लेज़र सिर्फ मतलब 5-6 मिलीमीटर तक का मेटल को कंट्रोल कर सकता है, बहुत महंगा इंडस्ट्रियल ले लेते हैं तो बात अलग है, तो वो 1-2 इंच तक खींच सकता है, प्लाज्मा आराम से इंच में संभाल लेता है। लेकिन उसका भी लिमिट है, प्लाज्मा का भी लिमिट है कि वो मतलब ऐसा नहीं कि 8 इंच या 9 इंच का मटेरियल आप दे देंगे तो वो नहीं संभाल पाएगा, ये फुट में बात कर सकते हैं, मतलब इसका कटिंग डेप्थ का कोई मतलब नहीं है, ये बात आप ज़रूर समझिए कटिंग डेप्थ के बारे में। और एक चीज़ और समझिए, जैसे जैसे हम लोग कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो, जैसे आपका कोई भी ड्रिल बिट होगा तो आपको पता ही होगा कि मान लीजिए सारा ड्रिल बिट आपका इतनी हाइट का, लेकिन जो पतला वाला होता है वो टूटता बहुत है, उसे कहते हैं हाई एस्पेक्ट रेशियो, यानी पतला है और बहुत लंबा है। मान लीजिए आप पतला सा ड्रिल बनाना चाह रहे हैं एकदम जो 6-7 इंच तक हो, लेकिन उसका डायमीटर सिर्फ 2 मिलीमीटर हो, तो कोई ड्रिल बिट नहीं कर सकता, ये आराम से इज लाइक होल्ड माय बियर। ये बहुत कंट्रोल देता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर, जैसे आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम में इस तरह का मान लीजिए कोई हीट सिंक बनाना है तो क्या आप नॉर्मल सीएनसी मशीन से बना सकते हैं? आराम से, उसमें मिलिंग ब्रिज पोर्ट से भी बना सकते हैं काट काट के, लेकिन इतना कचरा होगा, इतना डैमेज होगा, प्लस गर्मी से आपको बार बार रुकना पड़ेगा, या तो इसमें लिक्विड ऊपर लिक्विड डालते रहो ताकि ठंडा होते रहे। अब ब्रिज ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज देखें सेकंड पार्ट से मतलब सीधे ऐसे निकाल दिया उसको, हटो, कोई टेंशन ही नहीं है। और वेस्टेज के मामले में इसका बहुत बड़ा फायदा है, जैसे मान लीजिए आप कोई एलॉय से काम कर रहे हैं, कोई खास तरह का एलॉय, जैसे कि जेट इंजन में जो पार्ट लगाया जाता है वो जनरली टाइटेनियम निकेलियम का एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड एलॉय रहता है, बहुत महंगा रहता है, तो वहाँ पे उसको रिसाइकिल करना मतलब ज़रूरी रहता है भाई, नहीं तो आप लुट जाओगे। तो ये सब आप देख रहे हैं कि मतलब आपने पीस निकाल लिया, ये पीस पूरा आपके पास एक चंक में बचा हुआ, आराम से इसको फर्नेस में डाल के आप रिसाइकिल कर लीजिए। यही चीज़ अगर आप सीएनसी मशीन में करते, यही चीज़ आप ब्रिज पोर्ट में करते तो सिर्फ कचरा आपके पास होता, तो उसको रिसाइकिल करना मुश्किल हो जाता है।
तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि इसका पहले कंट्रोल बहुत अच्छा देते हैं, मतलब एकदम सफाई से काम करो, क्योंकि लोड नहीं है, फिजिकल लोड नहीं लगा रहा है वो चीज़ पे, काट नहीं रहा, बिजली का झटक कर रहा है, उस झटका नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपको एकदम क्लैंप करो सामान को, कुछ नहीं करना है, लोड नहीं दे रहा, पहला तो वो बेनिफिट हो गया। दूसरा एकदम ये कितना गहराई में जा सकता है उसका कोई लिमिट नहीं, मतलब हाँ आपका मशीन का लिमिट हो जाता है, आपका मशीन एक मीटर का ही सामान ले सकता है तो ऑब्वियसली एक मीटर ही काट पाएगा, लेकिन समझिए मतलब फिजिक्स इसको नहीं बोलता भाई, जितना काटना काट। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में हाँ आपका गहरा एकदम साफ साफ गोल था, जैसे जैसे अंदर जाते गया वो उसका एकदम ये हो गया, क्या बोलते हैं, छेद बड़ा हो गया, मतलब एक मिलीमीटर का छेद स्टार्ट किए थे, नीचे जाते जाते 8-10 मिलीमीटर हो गया, प्लाज्मा के साथ ये होगा अगर आप बहुत लंबा करने की कोशिश किए तो ये सब बहुत अच्छी बात है इसका। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? EDM कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप लोगों से हर लोग सुने होंगे, प्लाज्मा सबको पता होगा, लेज़र सबको पता होता है, EDM कहाँ पे इस्तेमाल होता है? EDM ये समझिए कि बहुत सारे चीज़ों का मास्टर जो बनाया जाता है, जैसे आप लेगो देख रहे हैं तो लेगो का जो ब्लॉक है वो ब्लॉक किससे बनाया गया होगा? अब वो समझिए वो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में इस्तेमाल होता है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर मेटल चाहिए ताकि वो गर्मी से फैले और सिकुड़े नहीं दे, तो हर प्लास्टिक का आपका जो पार्ट बनेगा अलग अलग साइज़ का बनने लगेगा, तो बहुत हाई क्वालिटी का एलॉय बनाया जाता है, उसको कैसे काटेंगे? आराम से, ये आराम से संभाल लेता है। दूसरा ये इसका ये भी है, जैसे मैंने बताया कि प्लाज्मा की जगह पे लोग वाटर कटर कई जगह खरीद लेते हैं, क्यों? क्योंकि जो काटिंग का जो एज निकला, मतलब जो कटाई वाला जगह है, उसमें आपको ग्राइंडिंग नहीं करना पड़ता, एकदम साफ सुथरा कटता है, ये उससे भी साफ सुथरा काटता है, मतलब ये एकदम लेजर के लेवल पे सफाई करता है, या कहें कि किसी किसी मामले में तो ये आता है कि लेजर से भी ज्यादा सफाई करता है, मतलब इससे जो स्पार्क निकला है उसको आप आराम से खुले हाथ से छू सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे जो लोग प्लाज्मा करते हैं ना, क्योंकि भाई उसको घिसो एज पर, नहीं तो हाथ लगाए तो हाथ कट जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब इससे जो प्रोडक्ट निकलता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है कि हाँ इससे निकला यूज़ करो, आपको पेंट वेंट करना तो बात अलग है, लेकिन समझ लीजिए ये फाइनल प्रोडक्ट बना सकता है, तो रॉकेट इंजन में भी इसका काफ़ी सारा चीज़ इस्तेमाल होता है। और ये जो लॉन्ग एस्पेक्ट रेशियो होल मैंने आपको बताया कि मतलब जैसे ये टर्बाइन ब्लेड है, इसलिए बताया इसका जेट इंजन में बहुत इस्तेमाल होता है, टर्बाइन ब्लेड है, टर्बाइन ब्लेड में छेद देना होता है, अगर वो छेद नहीं दिए टर्बाइन ब्लेड को कम टेम्परेचर पर चलाना पड़ेगा, प्रॉब्लम होगा कम टेम्परेचर चलाने से माइलेज खराब आएगा, आप हाई टेम्परेचर चाहते हैं माइलेज बढ़ाने के लिए, प्रॉब्लम हाई टेम्परेचर होगा तो पिघल जाएगा, तो ये छेद जो है कूलिंग होल की तरफ काम करता है, तो ये सब काटने के लिए ड्रिल बिट तो इतना पतला आता नहीं है जो इसको काट सके, प्लाज्मा कुछ कर नहीं सकता, प्लाज्मा सीधे पिघला देगा इसको, और लेज़र भी ये मतलब इतना 1-2 इंच नहीं जा सकता है, तो इसीलिए सिर्फ EDM ही ये कर पाता है, मतलब अगर EDM हमारे पास नहीं होता तो इतना सस्ता एरोप्लेन फ्लाइट नहीं होता आपके पास, कि आम लोग जो मतलब आजकल 5-6 हज़ार में टिकट आ जा रहा है वो तो समझिए तेल का दाम बढ़ा हुआ है, इसलिए अभी 5-6 हज़ार नहीं तो 3-4 हज़ार में आएगा, क्यों? ये इंजन इतना माइलेज बढ़ाने लगा ये कूलिंग होल के चलते, तो समझ लीजिए EDM कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है अरे कभी यूज होगा या लैब में है, इसका इस्तेमाल हो रहा है हर चीज़, मतलब बहुत अच्छा चांस है कि आप कोई भी चीज़ ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हो कि उसका मास्टर, मतलब कि ठीक है जैसे कोई गियर बॉक्स है तो गियर का जो मेन पीस बनाया गया, जो लैब में बनाया गया, जिसको टेस्टिंग की गई, जिसका डिज़ाइन बाद में कॉपी किया गया, वो EDM से बनाया गया होगा, तो समझिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन EDM का बहुत है, और कोई मशीन कोई अंधेर महंगा नहीं है, मतलब 25 लाख के अंदर ही आ जाता है, तो क्या EDM ही सबसे सर्वोत्तम कटिंग टेक्निक है? जो मैंने इतना सारा डिस्कशन किया, मैंने लेजर का डिस्कशन किया, प्लाज्मा का डिस्कशन किया, वाटर कटर का डिस्कशन किया, तो क्या EDM में सब चीज़ बढ़िया है? नहीं, EDM का सबसे बड़ा लिमिटेशन है जो प्लाज्मा और इसका होता है, प्लाज्मा का जो लिमिटेशन होता है कि ये कंडक्टिव मटीरियल पर ही काम कर सकता है, यानी मेटल को ये संभाल लेगा, कोई भी चीज़ और छुए ये इसका कुछ नहीं करता, मतलब प्लाईवुड में वैसे कटाई करना है कि हाँ भैया लकड़ी बर्बाद हो रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं करने देगा आपको, सिर्फ मेटल काट सकते हैं, तो सबसे पहले तो वहीं इसका लिमिट होता है, जैसे आप सोचोगे कि ग्लास में कुछ करते हैं या सिरामिक में कुछ करना चाहते हैं तब ये नहीं कर पाएगा, ये इसका सबसे पहला लिमिट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पाथ जो है वो तभी हो पाएगा ना जब मतलब दोनों कंडक्टिव मटेरियल है, तो पहला तो वो हो गया। दूसरा इसका इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, CNC मशीन का इलेक्ट्रॉनिक्स आपको आसान लगने लगेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए असंभव नहीं है, आजकल का कंप्यूटर इतना पावरफुल हो गया कि आराम से संभाल लेता है, लेकिन समझिए मतलब एक अलग लेवल का आपको थोड़ा सोच चाहिए होगा, जैसे कि मैंने एक नीचे वीडियो दे दिया आप देख सकते हैं, एक बंदा अपने घर में बनाता है, उसमें कि CNC मशीन में कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता जो वापस खींचे किसी चीज़, मतलब आप कभी भी ऐसा कोड नहीं दोगे कि ड्रिल बिट जाएगा और अगर अटका तो वो उल्टा घूमने लगे, ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन EDM में ऐसा करना होता है, क्योंकि मान लीजिए आप काट रहे हैं तो आपको वो जो गैप है स्पार्क गैप जो है वो हमेशा मेंटेन करना, लेकिन किसी कारण से मान लीजिए बेंड हो गया और स्पार्क की जगह कंटिन्यूस बिजली आने लगा तो आपको वापस खींचना पड़ेगा, रिवर्स मोशन में जाना पड़ेगा, रिवर्स मोशन नॉर्मल कंट्रोलर में नहीं होता है, तो EDM के जो कंट्रोलर बनाए जाते हैं उसमें देना पड़ता है ये कोडिंग, तो समझ सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर लेवल पर भी कॉम्प्लेक्स है और ऐसे भी कॉम्प्लेक्स, मतलब प्लाज्मा जैसा नहीं है, प्लाज्मा मतलब बच्चे भी बना लें तो ये थोड़ा टाइम लगेगा।
दूसरा इसका कंज्यूमेबल कि कितना चीज़ का खपत हो रहा है, ये बहुत खाता है। मतलब पहला तो वो जो तार है, वो जो मैंने आपको बताया कि वो प्लाज्मा का स्पार्क बन रहा है, वो दोनों चीज़ को नुकसान कर रहा है। मतलब जो सामान आप काट रहे हैं उसको तो काट ही रहा है, लेकिन ये तार जो है वो खुद भी कटे जा रहा है, मतलब वो खुद भी डैमेज हो रहा है। तो आपको वो भी बदलते रहना होगा। जैसे ड्रिल बिट खराब होता है ना, वैसे समझिए उसका भी यही है कि अगर आप उससे ड्रिल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिस्चार्ज का आप ड्रिल बना रहे हैं, तो वो ख़त्म होते जाएगा, तो वो कंज्यूमेबल हो गया। दूसरा आपका जो लिक्विड इस्तेमाल हो रहा है, डिपेंडिंग अगर नॉर्मल पानी भी है तो भी आपको फिल्टर पर खर्च करना पड़ेगा ताकि उसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एकदम परफेक्टली मेंटेन रहे। और समझ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजली खा रहा है, लेज़र जैसा नहीं कि सिर्फ बिजली खा रहा है, या प्लाज्मा जैसा नहीं कि थोड़ा सा गैस खा रहा है और बिजली खा रहा है, ये बहुत चीज़ खाता है। मतलब ईडीएम वायर कोई फ्री का चीज़ तो है नहीं, और लिक्विड को मेंटेन करने के लिए जो फिल्टर चाहिए, मतलब जो आप इंडस्ट्री चला रहे तो बात अलग है, घर में एक दो ठो बार करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो लोग का मतलब इंडस्ट्रियल है उनके लिए काफ़ी मतलब बड़ा इसका मतलब खर्चा, इसका कोई ऐसा नहीं है कि बस रख के भूल गए, थोड़ा सा खर्चा होता है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में कोई आसान चीज़ नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ईडीएम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा, कुछ समझ में आएगी कि अच्छा क्या बात हो रहा है ईडीएम के बारे में। तो अगर ऐसा है, अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक दो बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा है, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।